हाय दोस्तों, आज की इसी वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट शेयर के अबाउट में। यहाँ पर अगर देखा जाए, आज के दिन में ये कंपनी का Q4 के रिजल्ट निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही उम्मीद था, ये कंपनी के अंदर ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिला है। तो आज की इसी वीडियो में दोस्तों Q4 के रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। तो उसी के साथ दोस्तों, अगर ये चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर बनने वाले हर एक नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर इसी क्वार्टर का रिजल्ट है और यहाँ पर पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है और यहाँ पर पिछले साल मार्च की क्वार्टर है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखोगे, सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो इसी क्वार्टर में 864 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। और उससे पहले यहाँ पर अमाउंट देख सकते हो जो कि 909 था, यानी कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनका टोटल इनकम घटा है। और उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख सकते हो, यहाँ पर 735 था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, जो कि पहले तो ऐसा ही एक्सपेक्टेड था ये कंपनी के अबाउट में। यहाँ पर Q4 के रिजल्ट हर कंपनी के अंदर ऐसा ही देखने को मिल रहा है और ये कंपनी के ऊपर भी ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, जहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिला है। और बाकी यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस को निकाल लेने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो इसी क्वार्टर में 646 और उससे पहले 781 था, और उससे पहले यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 564। और उसके बाद दोस्तों, सब टैक्स वगैरह डिडक्ट होने के बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें, तो फिलहाल इसी क्वार्टर में आप देख सकते हो 466 करोड़, और उससे पहले 585 करोड़ था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पर डिक्रीजमेंट हुआ है, और उससे पहले यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में 434 था। तो फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो सारे नतीजा है, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी के रिजल्ट में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हुआ है, बाकी यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये जो रिजल्ट का असर है मार्केट के अंदर कैसा देखने को मिलता है। और उसके बाद और कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट है जो कि पहले आप देख चुके हो। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर इसी क्वार्टर में यानी कि कंपनी के अंदर जो Q4 के टाइम पीरियड में कंपनी यहाँ पर 21 स्टोर ओपन किया है, और यहाँ पर टोटल फाइनेंशियल 2022 की अगर बात करें 50 स्टोर ओपन किया है। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, ये जो डाटा है यहाँ पर आप देख सकते हो 2002 से लेकर 2003 तक आप देख सकते हो कंपनी जहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपने बिजनेस चला रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 2015 से लेकर 2016 तक पूरे इंडिया के अंदर लगभग आधे यहाँ पर कवर कर चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पर 2020 से लेकर 2021 तक देख सकते हो, फिर उसके बाद कितना अच्छा यहाँ पर सडनली स्पाइक देखने को मिला है अपने बिजनेस की फ्रेंचाइज खुलने में। फिर उसके बाद इसी साल का देख सकते हो 2021 से लेकर 2022 तक यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंक्रीजमेंट कर चुका है। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, सिर्फ ही बहुत कुछ स्टेट बचे हैं जिनके अंदर डीमार्ट नहीं पहुँचा है, लेकिन बाकी दोस्तों बहुत सारे स्टेट के अंदर अपने बिजनेस को फैला चुका है। और बाकी यहाँ पर दोस्तों ईयर वाइज स्टोर एडिशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन कर चुका है अपने बिजनेस में। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 70 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22 तक आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर 21, फिर 24, फिर 21, फिर 38, फिर 22, फिर अभी फिलहाल हाल ही इसी ईयर के अंदर 50 स्टोर यहाँ पर ओपन कर चुका है, जो कि टोटली यहाँ पर 284 कुल मिलाकर स्टोर ओपन हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंशन करने में लगा है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का रिजल्ट हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि दोस्तों हर कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन के चलते हर कंपनी के अंदर आपको Q4 का नतीजा बहुत ही खराब देखने को मिल चुका है, और ऐसे ही कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बाकी कुछ नहीं, कंपनी बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, और अपने बिजनेस को लगातार यहाँ पर एक्सपांड करते जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है, तो इसके ऊपर दोस्तों आप अभी के टाइम पर आप जरूर सोच सकते हो, बहुत ही अच्छी खासी करेक्शन पे स्टॉक आ चुका है। 3000 के लेवल के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल के साथ साथ एक टेक्निकली भी सपोर्ट है, तो उसके ऊपर आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ऐसे ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो प्राइस है फिर से उसी रेंज तक जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, लगातार कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने बिजनेस को भी लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, कुछ चीज़ें और भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट और कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर शेयर ऑफ रेवेन्यू देख सकते हो, जो कि फाइनेंशियल 21 में था, जो कि फूड कैटेगरी का था।
यहाँ पर पहले 57 था और इसी साल में 56.86 हो चुका है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीजमेंट हुआ है। लेकिन वही अगर बात करें दोस्तों नॉन फूड यानी कि FMCG के, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है। पहले 19.69 था और इसी साल में 19.74 हो चुका है। और बाकी यहाँ पर दोस्तों जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ है। पहले यहाँ पर देख सकते हो 22.90 था और इसी साल में यहाँ पर 23.40 हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और उसी के साथ कंपनी अपने दो स्टोर को भी ई कॉमर्स के लिए ट्रांसफर कर चुका है। और बाकी आगे आने वाले दिन में कंपनी और अगर और कुछ नए स्टोर ओपन करके ई कॉमर्स के लिए इन्वॉल्व कर देती है तो फिर दोस्तों स्टॉक का जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये कंपनी की Q4 का रिजल्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।